दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मनहूस खबर आई है लता जी को लेकर। लता जी हमारे बीच में नहीं है। ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा? कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम रखती है। मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा उनके लिए, वो थी नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। चाहे माँ और बेटे के लिए गाना गाना हो, चाहे प्रेमिका के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी भी भजन कीर्तन, कोई भी इमोशन का गाना जो है उन्होंने गाया है। और यही वजह है कि हम दुख और सुख में हमेशा उनका गाना सुनते हैं और अपने आप को, अपने समय को एक उसको टेक करते हैं। आज लता जी के बारे में ये न्यूज़ सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि हमारी दीदी माँ सरस्वती, धरती की माँ सरस्वती जिन्हें कहा जाता है, काली सरस्वती पूजा थी, और आज ये माँ सरस्वती, धरती की माँ सरस्वती उस माँ सरस्वती की गोद में चली गई। लता दी, स्वर कोकिला, क्या क्या सारे तमगे, सारे रिकॉर्ड, सारे अवार्ड, सारे रिवॉर्ड से ऊपर हमारी लता दीदी धरती पर रहने वाली आसमान थी, वो चली गई लता दीदी। मैं सुनकर ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लोगों पर क्या बीत रही होगी, हम सब पर क्या, क्योंकि म्यूज़िक, संगीत जो है वो संगीत की माँ कह सकते हैं, संगीत की बेटी कह सकते हैं, संगीत का परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अनाथ हो गया है। हर घर में उनकी उपस्थिति जाने अनजाने में हमेशा रही है। सबका एक पर्सनल खुद का लॉस लता जी का जाना जो है, वो मैं समझता हूँ कि लता दीदी का जाना जो है वो हम जैसे छोटे कलाकार तो बस यही कह सकते हैं कि लता दीदी एक दोबारा आपके पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आपका काम इतना बड़ा है, आप इतनी खुद बड़ी है कि धरती पर जब जब संगीत, जब तक संगीत को समझा जाएगा,